Today we will start a new chapter, chapter 8, plants form and function. Plants ke form and function ke bare mein janenge hum is chapter mein. In this chapter mein jo hum topics padhne wale hain wo is prakar hain: types of plants, herbs, shrubs, trees, parts of a plant, the root system, tap root, fibrous root, function of roots, modification of roots, the shoot system, stem, function of stem, modification of stem, leaf, function of leaves, modification of leaves, flower, parts of a flower, function of flower, pollination, seeds. इन सभी टॉपिक्स को हम इसमें चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं. चलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. प्लांट्स आर यूनिक गिफ्ट ऑफ नेचर. प्लांट जो है हमारे नेचर का एक यूनिक गिफ्ट है टू अस फॉर द सस्टेंस ऑफ लाइफ, यानी कि हमारे ज़िंदगी को जीने के लिए हमारे पास जो प्लांट हैं वो एक यूनिक गिफ्ट है हमारा प्रकृति के द्वारा दिया गया. व्हेन वी लुक अराउंड अस, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, वी फाइंड वैरायटी ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लांट, तो हम अपने चारों ओर क्या पाते हैं, बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स को पाते हैं, हम अलग अलग प्रकार की वेराइटियाँ पाते हैं. ऑल दीज प्लांट्स वेरी इन शेप्स एंड साइज, ये जो है प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स आप देखते हैं या हम जो प्लांट्स देखते हैं उनके शेप है, साइज है, स्ट्रक्चर है, इन हैबिटेट्स फ्रॉम ईच अदर, इनका शेप अलग होगा, साइज अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग होगा, और इनका हैबिटेट्स मीन्स जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह पे ये पाए जाते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होंगे. सम प्लांट्स हैव फ्लावर, कुछ प्लांट्स में हमारा फ्लावर होता है, वाइल सर्टेन अदर्स डू नॉट हैव, और कुछ में हमारा फ्लावर नहीं होता है. इन दिस चैप्टर बी आर पर्टिकुलरली कॉन्सनट्रेटेड अबाउट द फ्लावरिंग प्लांट. इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली जो है पढ़ने वाले हैं, ज़्यादातर है वो पढ़ने वाले हैं, कॉन्सनट्रेशन जो होगा हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर होगा. टाइप्स ऑफ प्लांट्स, सबसे पहला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ प्लांट्स, इसके बारे में जानते हैं क्या होता है ये टॉपिक, इससे रिलेटेड चीज़ें जानेंगे कि टाइप्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के टाइप्स क्या हैं. देर आर मैनी वेज टू क्लासीफाई फ्लावरिंग प्लांट, बहुत सारे वे हैं जिनके द्वारा हम फ्लावरिंग प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड काइंड ऑफ स्टेम, उनके साइज और उनके स्टेम के काइंड के बेसिस पे दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू हर्ब्स, उनको हर्ब्स के रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है, सब्स के रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है, एंड ट्रीज, यानी हर्ब्स एंड ट्रीज, ये तीन कैटेगरियाँ दी गई हैं इसकी, जिनको साइज और उनकी स्टेम के बेसिस पे उनको क्लासिफाइड किया गया है. तो अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि हर्ब्स क्या होते हैं, शर्ब्स क्या होते हैं, एंड ट्रीज क्या होते हैं. हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम. हर्ब्स वे प्लांट, वे छोटे प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम जो होती है ग्रीन होती है, सॉफ्ट होती है, विच मे और मे नॉट हैव ब्रांचेज, या तो इनमें ब्रांचेज हो सकती हैं या फिर इनमें ब्रांचेज नहीं हो सकती हैं. वीट, राइस, मेज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, मिंट, ETC आर हर्ब्स. ये जो है वीट है, राइस है, मेज है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, मिंट है, ये सभी हमारे किस कैटेगरी के हैं, हर्ब्स कैटेगरी के हैं. सम हर्ब्स हैव बीक स्टेम, कुछ हर्ब्स जो होते हैं उनकी स्टेम जो होती है बीक होती है, विच कैंट स्टैंड इरेक्ट, जो कि सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, ये अपने आप को ग्राउंड पे स्प्रेड कर लेते हैं, मीन्स अपने आप को ग्राउंड पे फैला लेते हैं. सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स, उनको हम क्रीपर्स के नाम से जानते हैं. जैसे कि ऐसे कुछ पेड़ हैं जिनके जो है अपने आप को इरेक्टेड नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आपको कुछ बेल देखी होंगी आप लोगों ने, तो इन सभी को हम कह सकते हैं क्रीपर्स के नाम से जानते हैं. द प्लांट्स सच एज पम्पकिन, आपने देखा होगा पम्पकिन की जो बेल जो होती है वो भी इसी तरह से फैली होती है. वाटरमेलन एंड आर क्रीपर्स, ये जो हैं आपके एग्जाम्पल दिए हैं दो, कि पम्पकिन और वाटरमेलन जो हमारा किस तरह का है, क्रीपर्स हैं ये. द प्लांट विद बीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट टेक सपोर्ट ऑन नियर बाई ऑब्जेक्ट टू क्लाइंब ऑन देम इज कॉल्ड क्लिम्बर्स. ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम बीक होती है एंड जो दैट कांट स्टैंड इरेक्ट, और जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, इरेक्टेड नहीं हो सकते हैं, एंड टेक सपोर्ट टू नियर बाई ऑब्जेक्ट टू क्लाइंब ऑन देम, उनके ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए उनको अपने पास वाले ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, आर कॉल्ड क्लिम्बर्स, इनको हम क्लिम्बर्स के नाम से जानते हैं. जैसे पी, ग्रेपवाइन एंड मनी प्लांट आर क्लिम्बर्स, ये जो हैं कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे पी है, ग्रेपवाइन है, एंड मनी प्लांट हैं, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, वो आपके
जो है ये सभी हमारे क्लिम्बर्स की एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है हमारा सब्स। सब्स क्या होते हैं? सब्स आर मीडियम साइज प्लांट। हर्ब्स जो थे बहुत स्मॉल प्लांट थे, सब जो हैं हमारे मीडियम साइज प्लांट हैं विद हार्ड एंड बूडी स्टेम। इनकी जो स्टेम जो होता है वो हार्ड होता है, बूडी होता है। दे कैन ग्रो अप 8 to 9 feet। इनकी जो ग्रो होती है, ये जो ग्रो होते हैं 8 to 9 feet तक लंबे जाते हैं। दे लुक ब्रशी एज दे हैव मैनी ब्रांचेज। ये जो हैं ब्रशी ब्रशी नज़र आते हैं और इनमें बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। दे अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड ग्रो इन एवरी डायरेक्शन। ये क्या है कि बेस से स्टार्ट होते हैं और हर एक डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल लिए, जैसे चारों चाइना रोज, जैसमिन, न्यूरियम एंड रोज आर सम सब्स, सम सब्स। ये जो कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं वो किसके हैं? सब्स के हैं। अब बात करते हैं ट्रीज। ट्रीज क्या होते हैं? ट्रीज आर बिग प्लांट। ट्रीज जो होते हैं हमारे बड़े प्लांट्स होते हैं। दे हैव टॉल एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम आर कॉल्ड ट्रंक्स। इनकी जो स्टेम जो होती है काफ़ी टॉल होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, जिसको हम ट्रंक्स के नाम से जानते हैं। द स्टेम हैव ब्रांचेज। इनकी जो स्टेम में है ब्रांचेज होती हैं इन द अपर पार्ट, ऊपर की साइड में, ऊपर अपर पार्ट में, मच एबव द ग्राउंड, धरती से काफ़ी ऊपर। दिस ट्रीज लाइक कोकोनट एंड डेट पाम डू नॉट हैव ब्रांचेज। जो कुछ पेड़ हमारे जैसे कोकोनट है और डेट पाम है, इनमें हमारी कोई ब्रांचेज नहीं होती है। जैसे मैंगो, कुछ ट्रीज के कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे मैंगो, नीम, बनियन, क्रीकर, ETC आर सम ट्रीज। ये कुछ ट्रीज के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। अ फ्लावरिंग प्लांट कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स। एक फ्लावरिंग प्लांट में हमारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ईच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट हैज स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म। और प्लांट्स के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सबका कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अ ग्रुप ऑफ टू और मोर पार्ट्स इज कॉल्ड अ सिस्टम। एक ग्रुप होता है दो या दो से अधिक पार्ट्स को मिला करके, उसको पूरे को एक सिस्टम बोला जाता है। अ फ्लावरिंग प्लांट हैज़ टू इम्पोर्टेंट ऑर्गेन सिस्टम। एक फ्लावरिंग प्लांट के दो मेन ऑर्गेन सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। एक फ्लावरिंग प्लांट के दो ऑर्गेन सिस्टम होते हैं, एक रूट सिस्टम होता है, एक शूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम ग्रो बिलो द ग्राउंड। जो रूट सिस्टम जो होता है वो होता है धरती के अंदर वाला पार्ट जो होता है, उसको रूट सिस्टम बोला जाता है। वाइल्ड शूट सिस्टम ग्रो एबव द ग्राउंड। और जो कि शूट सिस्टम जो होता है वो धरती के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम शूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। अभी इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं, रूट सिस्टम क्या है एंड शूट सिस्टम क्या है। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड रूट सिस्टम। जो अंडरग्राउंड का जो पार्ट होता है, जैसे किसी भी पेड़ के धरती के अंदर का जो पार्ट है उसको हम रूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेन रूट। इसमें हमारी जो मेन रूट होती है एंड अ नंबर ऑफ ब्रांचेस रूट्स, और बहुत सारी जो होती हैं कुछ जो ब्रांचेज जो होती हैं रूट्स की वो होती हैं। रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स रूट। एक रूट सिस्टम में हमारी दो तरह की रूट्स होती हैं, टैप रूट एंड फेब्रियस रूट। टैप रूट और फेब्रियस रूट दो टाइप की हमारी रूट्स होती हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं, टैप रूट क्या होती हैं एंड फेब्रियस रूट क्या होती हैं। टैप रूट इज़ अ सिंगल मेन रूट। टैप रूट जो होती है एक सिंगल मेन रूट होती है, विच ग्रो वर्टिकली, जो कि वर्टिकली ग्रो करती है डाउनवर्ड, नीचे की ओर इन द सोइल, यानी कि सीधी सीधी जाने वाली रूट को हम टैप रूट के नाम से जानते हैं। लेटर ब्रांचेस रूट्स ग्रोन फ्रॉम द मेन रूट। और कुछ जो रूट्स होती हैं, लेटर ब्रांचेस ग्रोन फ्रॉम द मेन रूट, जो कि मेन रूट से होकर के जाती है। टैप रूट पेंट्रेट डीप इन टू द सोइल। रेडिश, कैरेट, पी, मैंगो, नीम, मस्टर्ड, ग्राम, बालसम, मेरी गोल्ड, ETC टैप हैव टैप रूट्स। इन सभी जो हमने आपको जो पेड़ ट्रीज जो प्लांट्स के नाम बताए हैं, इन सभी की जो होती हैं टैप रूट होती हैं। नेक्स्ट हमारा फेब्रियस रूट। फेब्रियस रूट क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। फेब्रियस रूट डू नॉट हैव एनी मेन रूट। फेब्रियस रूट में कोई भी मेन रूट नहीं होती। फेब्रियस रूट इज़ अ बंच ऑफ रूट्स। यह जो होती है एक बंच होता है काफ़ी, यानी कि इकट्ठा समूह होता है काफ़ी रूट्स का। शूटिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड ग्राउंड डाउनवर्ड
डाउनवर्ड इन द सोइल, यानी कि उसमें क्या है कि एक मेन रूट जो होती है वो सीधी सीधी जाती है, एक ही रूट होगी और इसमें बहुत सारे इकट्ठे होंगे, उन सभी को हम फेब्रियस रूट के नाम से जानेंगे। वीट, राइस, मेज, ग्रास ETC है फेब्रियस रूट। वीट है, जैसे वीट के आपने देखा होगा, आपने पेड़ देखा होगा तो उसमें देखना कि बहुत सारी रूट्स जो हैं एक साथ इकट्ठी मिलेंगे उसमें, तो वीट है, राइस है, मेज है, ग्रास है, इन सभी में जो है फेब्रियस रूट पाई जाती है। फंक्शन ऑफ रूट, फंक्शन ऑफ रूट, रूट्स का जो फंक्शन है वो किस तरह से वर्क करता है। रूट हैव, रूट्स हैव फॉलोइंग फंक्शन, रूट्स के कुछ फंक्शन दिए गए हैं वो जिस तरह से काम करते हैं। एंश्योरिंग, रूट्स गो डाउन इन द सोइल, एंश्योरिंग में क्या होता है हमारा रूट्स जो है धरती के अंदर जाती है, स्प्रेड आउट और अपने आप को फैलाती है, एंड होल्ड द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड, और प्लांट को धरती से एकदम होल्ड करके रखती है। ऑब्जर्वेशन, नेस्ट वर्क है इसका फंक्शन है ऑब्जर्वेशन। रूट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल, जो रूट्स है हमारी धरती से मिनरल्स एंड वाटर को ऑब्जर्व करती है। वाटर एंड मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो वाटर एंड मिनरल्स जो हैं ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट इसका फंक्शन है हमारा स्टोरेज ऑफ फूड, रूट मे बी मॉडिफाइड टू स्टोरेज फूड मिनरल्स मटेरियल्स, जो रूट्स जो होती हैं वो स्टोर करती हैं हमारे खाने के जो फूड मटेरियल है उसको स्टोर करती हैं। सोइल कंजर्वेशन, रूट्स प्रिवेंट सोइल इरेशन, यानी कि जो मिट्टी के कटाव को भी रोकती हैं बाई एक्टिंग एज बाइंडिंग एजेंट्स, जो मिट्टी को बांधे रखती हैं। रूट्स हैव सोइल फ्रॉम बींग ब्लोन ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड और वॉश्ड बाई अवे बाई रनिंग वाटर, ये जो है रूट्स जो है एक रूट्स सेफ सोइल, रूट्स जो है सोइल को बचाती हैं, मिट्टी को बचाती हैं, जैसे जब भी विंड्स तेज विंड चलती है तो उसकी वजह से यानी जो रूट्स है उसको बांधे रखती हैं और उसको उड़ने नहीं देती हैं, और पानी जैसे ही बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है तो उसके कटाव को भी काफ़ी रोकती हैं, तो रूट्स में ये सारे उसके वर्क हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स अभी हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। इन सम प्लांट्स द स्ट्रक्चर ऑफ देयर रूट्स इज चेंज्ड इन अ नेचुरल वे टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन। इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में द स्ट्रक्चर ऑफ देयर रूट्स, उनके रूट्स के स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है इन नेचुरल वे यानी कि प्राकृतिक तरीके से टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन, कुछ परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन के लिए उनके नेचर को थोड़ा बदला जाता है। सच रूट्स आर कॉल्ड मॉडिफाइड रूट, इस तरह की जो रूट्स हैं वो मॉडिफाइड रूट्स के नाम से जानी जाती हैं। द चेंजेस आर कॉल्ड मॉडिफिकेशन, और इस तरह के चेंजेस को हम मॉडिफिकेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि आजकल जो जितनी भी हमारे कुछ पेड़ आते हैं नई नई वेराइटी के, जैसे पेड़ आप देखते हो, प्लांट्स देखते हो, तो उनमें क्या है कि मॉडिफिकेशन किया जाता है उनकी रूट्स का, कि जैसे इस पेड़ की रूट्स को उसके साथ मैचअप कर दिया, इसकी रूट्स को उसके साथ मैचअप कर दिया, तो जिस तरह की हमें वेराइटी लेनी होती है उस तरह के पेड़ के साथ उसको मैचअप कर दिया जाता है, मिक्सअप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उस तरह की वेराइटी हमें मिल जाती है। रूट्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, रूट्स का जो यूज़ है वो मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, यानी फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाइड होती हैं, वो मीन्स बनी होती हैं। सम प्लांट्स सच एज रेडिश, कैरेट, टर्पिन, बीट रूट, स्वीट पोटैटो हैव स्वेलन रूट्स, कुछ जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स जो होती है स्वेलन होती है, फूली हुई होती है, मोटी होती है। दीज रूट्स स्टोर द फूड प्रोड्यूस्ड बाई द प्लांट, ये जो रूट्स हैं वो खाने को अपने अंदर स्टोर करती हैं। प्लांट्स यूज दिस स्टोर फूड, और ये प्लांट्स हैं इस स्टोर फूड को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं टू स्टे अलाइव व्हेन द कंडीशन आर नॉट फेवरेबल, ये जो प्लांट हैं उस समय पे उस खाने को इस्तेमाल करते हैं जब उनकी जो फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, मीन्स जब उनको खाना नहीं मिल पाता है तो उस समय पे जो प्लांट्स हैं वो उसको खाने को इस्तेमाल करते हैं। रूट्स आर मॉडिफाइड टू गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट, रूट्स जो है इस तरह की जो रूट्स हैं वो मॉडिफाइड होती हैं एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए। सम ट्रीज हैव रूट्स दैट ग्रोन फ्रॉम देयर ब्रांचेज, कुछ जो हमारे ट्रीज हैं वो ग्रोन होते हैं फ्रॉम देयर ब्रांचेज अपने ब्रांचेज से। एज दीज रूट्स रीच टू द ग्राउंड, और इनकी रूट्स जो हैं ग्राउंड तक पहुँचते हैं, दे फिक्स देम सेल्फ इन द सोइल, और अपने आप को सोइल में
जोड़ लेती हैं, मीन्स फिक्स कर लेती हैं एंड गिव सपोर्ट टू द स्प्रेडिंग ब्रांचेस, और अपनी जो स्प्रेडिंग ब्रांचेज ऑफ द ट्री यानी कि उसकी ब्रांचेज को फैला लेती हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड प्रॉप रूट। आप इस तरह की जो रूट्स हैं वो प्रॉप रूट्स के नाम से जानी जाती हैं। जैसे आपने बरगद के पेड़ की जो रूट्स देखी होंगी उसमें से निकल आती हैं और वो नीचे की ओर पूरी लटक जाती हैं। दिस सपोर्ट इन द ट्री जस्ट एज पिलर, ये जो हैं एक ट्री है, एक पेड़ को पिलर्स की तरह सपोर्ट करती हैं। सपोर्ट अ बिल्डिंग, जैसे पिलर्स जो है एक बिल्डिंग को सपोर्ट करता है उसी तरह से ये पेड़ की हेल्प करती हैं। प्रॉप रूट आर फाउंड इन बनियान, सुगर केन, स्क्रू पाइन एंड मेज। ये इस तरह की जो रूट हैं वो बनियान ट्री, सुगर केन एंड स्क्रू पाइन एंड मेज की जो प्लांट्स हैं उनके अंदर पाई जाती हैं। इन प्लांट्स सच एज ब्लैक पेपर मनी प्लांट्स एंड बेटर, द रूट्स हेल्प द प्लांट्स टू क्लाइंब अप द सपोर्ट एंड स्टेम आर टू बी टू स्टैंड ऑन देयर ओन, सच रूट्स आर नोन एज क्लाइंबिंग रूट्स। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, हमारी रूट जो हैं उनकी हेल्प करती हैं दूसरे प्लांट्स को क्लाइंब करने के लिए, चढ़ने के लिए। सपोर्ट एज द स्टेम टू बीक, यानी कि उनकी जो स्टेम होती है काफ़ी कमज़ोर होती है तो उनको सपोर्ट करती है एक दूसरे के ऊपर चढ़ने के लिए। सच रूट्स आर नॉन एज क्लाइंबिंग रूट्स, इस तरह की जो रूट्स हैं वो क्लाइंबिंग रूट्स के नाम से जानी जाती हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में रूट सिस्टम, सूट सिस्टम एंड फंक्शनिंग ऑफ द स्टेम्स और आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे।